हे गाइस, तो चलिए आज बनाएंगे मैक्रोनी मांजाओ सूप। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, वन पॉट रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी है। तो सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और जैसे ही तेल गरम हो जाए ना तो उसमें डाल देंगे हम यहाँ पे लहसुन, जिसको कि बारीक चॉप करके रखा था, और साथ ही यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज, वो भी हमने चॉप करके रखा हुआ है, वो इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। हल्का सा जो इसमें कलर है वो आना शुरू हो जाए और प्याज जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, तो बस तब तक हमें इसे पकाना है। फिर उसमें हम एक दो हरी मिर्च डाल देंगे, हरी मिर्च जितना भी तीखा आप पसंद करते हैं आप उतनी डाल सकते हैं, और अगर मिर्च ना पसंद हो तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिर्ची डालने के बाद ही हम इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे ताकि उसका जो कच्चापन है वो चला जाए, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे बाकी की वेजीज़। तो वैसे तो आप अपनी मनपसंद की कोई भी वेजीज़ इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने यहाँ पर डाल रखा है ये स्प्रिंग अनियन, यानी जो हरे प्याज के पत्ते होते हैं वो, और थोड़ा सा गाजर जिसको कि ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और थोड़ी सी बीन्स भी इसके अंदर डाली है, फ्रेंच बीन्स। आप इसके अंदर मशरूम या कॉर्न वगैरह जो भी आप सूप में वेजीज़ पसंद करते हैं आप वो इसके अंदर चॉप करके डाल सकते हैं। अब इन सब्जियों को हमें 2 मिनट के लिए पकाना है, और जैसे ही ये 2 मिनट पक जाएंगे ना उसके बाद इसके अंदर डाल दीजिए ढेर सारा पानी, क्योंकि पानी डालने से क्या होगा कि हम जो सब्जियां हैं ये भी इसके साथ उबल जाएंगी और इसके साथ हमारी मैक्रोनी भी पकनी है, इसलिए पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे। फिर इसमें डाल देंगे नमक और काली मिर्च का पाउडर सीजनिंग के लिए, और ये देखिए अब ये ढेर सारा पानी जो इसके अंदर जा चुका है इसके साथ इसको कर देंगे मिक्स। और यहाँ पे मैंने एक छोटी कटोरी मैक्रोनी इसके अंदर डाल दी है, क्योंकि मैक्रोनी को हमने पहले से बॉईल करके नहीं रखा हुआ था, हम यहीं पे इसको साथ ही साथ बॉईल करेंगे। और बीच में थोड़ा सा यहाँ पे डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ताकि सूप में कलर बढ़िया सा आ जाए। तो यहाँ पर कोई एडिशनल चीज़ें हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, जैसे आप अगर इसको गाढ़ा करना चाहें तो पकने से थोड़ी देर पहले आप इसमें कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन फिलहाल हम इसको बिना कॉर्नफ्लोर के बना रहे हैं। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, हमारी जो मैक्रोनी है वो सॉफ्ट होनी शुरू हो गई है और जो पानी है ना वो भी रिड्यूस होके थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से फिर बाद में आप इसके अंदर थोड़े से केचप या सॉसेज वगैरह इसके अंदर डाल दीजिए, जो भी आपको पसंद हो सॉस या जिस चीज़ का फ्लेवर आपको पसंद है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। 1 बड़ी चम्मच के करीब यहाँ पे हमने डाल दिया है सोया सॉस, ताकि बिल्कुल मार्केट वाला जो फ्लेवर है और लुक है वो आए। और इस तरीके से ये देखिए कितने जल्दी जो है हमारी मैक्रोनी भी पक चुकी है, और जो हमारा हमने जो पानी इसके अंदर डाला था ना वो भी थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो बस उसके बाद गैस को कर देना है बंद, और आपकी जो मांजाओ मैक्रोनी सूप है ना गाइस, वो बन के रेडी है, और काफ़ी फुलफिलिंग होता है ये, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको सर्व कीजिए एक बड़े से बोल में, और बस इंजॉय कर सकते हैं। मैक्रोनी से आपका पेट भी भर जाएगा और सूप तो हेल्दी है ही, तो बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग और टेस्टी रेसिपी है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।